नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लनटॉप शो। बहुत सुर्खियां हैं, दिखा सकते हैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का कश्मीर दौरा, बता सकते हैं आपको बसपा में संगठन के बदलाव की खबर, या फिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का कश्मीर के मसले पर झगड़ा। पर ये सब इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि कोई गुजर गया है। जो गुजर गया है उसका नाम सुषमा है। शब्दकोश में मतलब खोजेंगे तो मिलेगा नैसर्गिक सुंदरता, स्वाभाविक, अपने दम पर बढ़ी। सियासत की सुषमा गुजर गई, सुषमा स्वराज गुजर गई। गुजर गई वो महिला जिसको देखकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी महिलाएं ये महसूस करती थी कि कोई है जो हमारे जैसा दिखता है, कि जिसका कद कम होने के बावजूद बहुत बड़ा है, कि कोई है जिसे साड़ी और बिंदी और हिंदी से परहेज नहीं है, कोई है जो अपना सा है और गुजर गया है। सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी की नेता, विदेश मंत्री के पद तक पहुंची, नेता प्रतिपक्ष रही, सब भूतकाल में बदल गया 6 अगस्त 2019 को। इस दिन की शुरुआत सुर्खियों की सरताज भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्ष के रूप में हुई थी, क्योंकि राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी तारीख बदल देने वाला जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से जुड़ा बिल पास हो गया था। शाम ढलते ढलते खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चली, सुषमा स्वराज का निधन हो गया। फिर खबर आई कि नहीं, अभी निधन नहीं हुआ, एम्स में भर्ती हुई हैं, जल्दबाजी में अफवाह फैल रही है। लेकिन ये बात अफवाह साबित हुई। सुषमा स्वराज का दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचने के कुछ ही देर बाद निधन हो चुका था। कई लोगों ने कहा पहले हो चुका था और डॉक्टर्स ने बाद में उन्हें मृत घोषित किया, बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल का दौरा। सुषमा स्वराज की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, सालों पुराना डायबिटीज का मामला तो था ही, 3 बरस पहले किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ था। लोग कहते थे ट्विटर मंत्री हैं। सुषमा नकारात्मक ढंग से नहीं लेती थी बतौर विदेश मंत्री इस तमगे को, और ये उनकी पारदर्शिता है, उनकी जीवंतता है कि जब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तब भी उन्होंने ट्वीट करके बताया। वैसे तो ये नितांत निजी विषय है, आप बीमार हैं, आप बताना चाहें नहीं बताना चाहें, लेकिन सुषमा ने यही रास्ता चुना और स्वास्थ्य की वजह से ही 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा लोकसभा का। पर कई लोगों को लगा कि सुषमा स्वराज के अनुभव की मोदी सरकार को जरूरत पड़ेगी, इसलिए सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो पहला दिन था या शपथ ग्रहण का दिन था, उस दिन भी कयास चलते रहे। सुषमा का नाम कैबिनेट की लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी। ये एक फर्क है सुषमा स्वराज और दूसरे नेताओं में, मसलन सुषमा स्वराज और मनेका गांधी में, या एक लंबी फेरिस्त हो सकती है इस चीज की कि किस तरह से गरिमा मेंटेन की जाए, किस तरह से अटल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को जीवंत किया जाए। हालांकि सुषमा स्वराज आडवाणी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्टूडेंट मानी जाती है, और उससे भी पहले अगर प्राइमरी की बात करें, नर्सरी की, तो जॉर्ज फर्नांडिस की स्कूल की छात्रा। इन सब के बारे में बताएंगे। फिलहाल तो बात कर रहे हैं लोग उस ट्वीट की, उस आखिरी ट्वीट की जो उनकी मौत से कुछ घंटे पहले आया, जिसमें वो लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये दिन कितना भारी बीता, और उस दिन से पहले सुषमा की पार्टी के प्रति, देश के प्रति प्रतिबद्धता। और इस ट्वीट के ही 1 घंटे बाद उनकी बात हुई थी देश के जाने माने वकील हरीश सालवे से, जिन्होंने जाधव के मामले पर दुनिया की अदालत के सामने पाकिस्तान को परास्त किया था। मुकदमे में जीतने के बाद उन्होंने मजाक में कहा था कि मुझे मेरी 1 रुपए की फीस नहीं मिली है। सुषमा स्वराज ने बीते दिन उनको फोन किया और कहा कल सुबह 6 बजे आ जाओ अपनी 1 रुपए की फीस लेने। सबको पता है 1 रुपए सिर्फ बहाना है, ये अपनों से मिलने का, उनकी पीठ थपथपाने का सुषमा स्वराज का एक जरिया था।
और इसीलिए आज जब दिन भर टीवी स्क्रीन पर उनकी अंतिम यात्रा की उनको श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं के विजुअल्स आ रहे थे, तस्वीरें आ रही थी जिसमें बार बार उनकी बेटी जो वकील है पेशे से बांसुरी नजर आ रही थी, उनके पति स्वराज कौशल नजर आ रहे थे, तो लोगों को अपने अपने हिस्से की सुषमा स्वराज की स्मृतियां याद आ रही थी। सब बीत जाता है, सबसे पहले तो देह जो नश्वर है सुषमा स्वराज की, देह को अंतिम संस्कार कर मिट्टी के हवाले कर दिया गया लोधी रोड के शवदाह में। इस मौके पर भी कई परंपराएं बनी जिनका आखिरी में जिक्र करूंगा। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत पक्ष विपक्ष के कई नेता मौजूद थे और आज के दिन तो ये पक्ष विपक्ष को किनारे ही रख दें। शोक ऐसा ही होता है, कोई ऐसा जाए जिसे अपने शोक के परे हम देखें तो अपने भेद कुछ कमजोर नजर आए। 67 साल की सुषमा स्वराज के करियर के कई किस्से हैं, कई भाषण हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, कई फर्स्ट हैं। फर्स्ट की 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बन गई, फर्स्ट किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की महिला प्रवक्ता, फर्स्ट दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, इस तरीके पहली महिला मुख्यमंत्री, इस तरीके के कई पहले हैं, पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री। और इन सब फर्स्ट की शुरुआत कहां से होती है? 14 फरवरी 1952 से। तारीख याद रखिएगा क्योंकि इस दिन बाजार आपसे इश्क के पर्चे फटवाता है। 14 फरवरी 1952 हरियाणा के अंबाला में जन्मी, छात्र राजनीति से करियर शुरू किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने गई तो सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़ गई। जुड़ी स्वराज कौशल से भी थी जिनके साथ जुड़ने के बाद ब्याह के बाद सुषमा शर्मा का नाम सुषमा स्वराज हो गया, जाति का नाम तज दिया जेपी के आंदोलन का असर। 25 साल की उम्र में काबीना मंत्री बनी और जब उनका मंत्री पद छीनने की चौधरी साहब ने कोशिश की, ताऊ ने कोशिश की, तो खुद उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाई। विस्तार से बताएंगे ये किस्सा, ये भी बताएंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला दिल्ली की सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला के साथ कैसे संबंध रखती थी और एक ट्वीट का इससे क्या दुर्भाग्य से भरा कनेक्शन है, ये भी बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया के सामने यूएन में सुषमा ने भारत का और भारत की एक प्रमुख भाषा हिंदी का मान रखा। और ये तो है ही कि विदेश मंत्री के रूप में जिसने मदद मांगी सुषमा स्वराज ने दी। ट्विटर पर सक्रियता का इससे सुंदर उदाहरण क्या हो सकता है? तस्वीरें देखिए, हामिद अंसारी को गले से लगाती सुषमा, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी सियासत कहती है कि देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान की जेल से छूटे एक नौजवान को यूं ममत्व से भर के गले लगाए? कौन सा प्रोटोकॉल कहता है कि दिव्यांग लड़की के लिए इतनी चिंता करे गीता के माता पिता कौन है, परिजन कौन है, कौन चिंता करेगा? और इन सारी चिंताओं के बीच कौन अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और गरिमा को बचा कर रखेगा? किसी ने कहा कि आप तो राहुल गांधी की तरह फनी हो गई हैं, तो ट्वीट। किसी ने कहा शीला दीक्षित की मौत पर उनका श्रद्धांजलि वाला ट्वीट पढ़कर कि अम्मा आपकी भी बहुत याद आएगी, उस पर भी गरिमा से भरा ट्वीट। और अपने पति के साथ तो ट्विटर पर छेड़छाड़ चलती ही रहती थी। आपको पॉलिटिकल किस्से सुनाता हूँ, खूब इंतजार रहता है। आज सुषमा के किस्से सुन लीजिए। सबसे पहले एक व्यक्तिगत किस्सा, मेरी माँ सुषमा स्वराज की देश की करोड़ों महिलाओं की तरह जैसे पहले जिक्र किया बड़ी फैन थी। एक दिन बड़े उत्साह से बता रही थी कि देखो कितने अच्छे से बोलती हैं, कितना ओजस्वी ढंग से बोलती हैं और ज़रा भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं कि डायस ऊंचा है। जी, डायस की ऊंचाई को लांघती थी सुषमा क्योंकि उनके साथ एक चौकी चलती थी। बहुत सारी चौकियाँ लगा के औरतें आदमियों की इस दुनिया में अपनी जगह अपना कद हासिल करती हैं। ये तस्वीर देखिए, दुनिया के ताकतवर विदेश मंत्रियों के बीच भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पहला किस्सा सुषमा स्वराज से जुड़ा हुआ, ये पहला किस्सा 25 बरस की सुषमा स्वराज का है। सुषमा स्वराज जो बड़ौदा डायनामाइट केस में उस वक्त के बड़े समाजवादी और मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस को बचाने के लिए बनी वकीलों की कमेटी का
हिस्सा थी और इसीलिए जब इमरजेंसी खत्म होने के बाद सब रिहा कर दिए गए, जॉर्ज रिहा नहीं किए गए, तो जॉर्ज की पत्नी लैला के साथ सुषमा पहुंची थी मुजफ्फरपुर बिहार उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने, और फिर पूरे शहर पूरी लोकसभा में जॉर्ज की जेल के सीकचों में बंद तस्वीर के साथ प्रचार करने के लिए। इसके कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। सुषमा स्वराज को उनके जन्म के शहर अंबाला के कैंट विधानसभा से टिकट दिया जाता है, विधायक बनती हैं, मंत्री बनती है, जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर खुद चंद्रशेखर उनके नाम पर दस्तखत करते हैं कि ये ताऊ देवीलाल की कैबिनेट में हरियाणा सरकार में मंत्री होंगी। लेकिन फिर एक रोज सुषमा का फोन आता है। सुषमा कहती है, मुझे राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहे का मान नहीं रखा जा रहा। चंद्रशेखर आग बबूला हो जाते हैं, चौधरी देवीलाल को तलब करते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संगठन का आदेश पलटने की। चौधरी देवीलाल कहते हैं, उसकी उम्र देखी है आपने, 25 साल की है, मैं तो राज्य मंत्री बना रहा हूं, चौधरी चरण सिंह ने देख लिया तो मंत्री भी नहीं बनाएंगे। बड़ी मारामारी थी उस दौर में लाल बत्ती की, आज भी है, लेकिन चंद्रशेखर उस दौर में भी बात की तरह अड़ गए। बोले, ये संगठन का फैसला है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मुरारी देसाई को फोन लगाया और बोले, मैं चौधरी देवीलाल की सरकार को उनके नेतृत्व से मुक्त करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मुरारी चौंके, बोले क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देवीलाल ने यह फैसला किया, एक कॉमर्स सभा की मीटिंग में ऐलान कर दिया कि उनकी मंत्री से सारे प्रभार छीने जा रहे हैं, ये गलत है। जब मुरार जी को पता चला, चौधरी चरण सिंह को पता चला, सब ने देवीलाल के पीछे से हाथ खींच लिए और फिर उन्हें पहले तो मंत्री बनाया गया और फिर इस कॉमर्स सभा वाले प्रकरण के बावजूद जो उनसे मंत्रालय छीने गए थे वो वापस किए गए। इसी दौर में 2 बरस के बाद सुषमा जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनी थी और उसके 1 बरस के बाद भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य। कैसा रहता होगा 25 साल की एक लड़की, कहाँ थे हम और आप 25 साल में? वो संविधान की शपथ ले रही है, वो हरियाणा जैसे राज्य की मंत्री बन रही है। सुषमा स्वराज की एक बड़ी पहचान उनके भाषणों की वजह से थी। हम भी आपको एक भाषण दिखा देते हैं। मौका 1996 का है, महीना जून का है, वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर चुकी थी और सुषमा के शब्दों में कहें तो भानुमती का कुनबा अपने स्वार्थ के लिए साथ आ गया था संयुक्त मोर्चा के नाम से। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था, देवेगौड़ा की सरकार बन गई थी और उसी के विश्वास मत के मौके पर यह भाषण हो रहा था। 11 जून को सुषमा बोली और ये बोली, लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राजतिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी के दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी करते हैं। हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? पूरी लोकसभा तालियों से गूंज चुकी थी, तालियां रुक नहीं रही थी, हल्ला इतना कि लोकसभा अध्यक्ष बार बार लोगों से चुप रहने को कह रहे थे और जब सांसद शांत नहीं हुए तो स्पीकर को यह कहना पड़ा, प्लीज डोंट मेक योर स्पीच सो इंटरेस्टिंग। सबको पता था कि कपिल सिब्बल और मनोज प्रभाकर को हराकर पहली दफा लोकसभा पहुंची सुषमा स्वराज का करियर उजला है, इसीलिए कई बातें उनके बारे में बताई जा सकती हैं। मसलन ये कि 2009 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा की हार के बाद भविष्य के लिए जिन विकल्पों पर विचार हो रहा था सुषमा उनमें से एक थी। पार्टी अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चला लेकिन सुषमा को लगा सेहत दुरुस्त नहीं है, अध्यक्ष के रूप में बहुत भागदौड़ करनी होगी। ऐसे में उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण पद लिया, नेता प्रतिपक्ष का पद। फिलहाल ये आखिरी तस्वीर है सुषमा स्वराज के शव की
सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी की। हम अपने नेताओं की मौत पर दुखी होते हैं, जीत पर खुश होते हैं, कारनामों पर प्रतिक्रिया देते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं, कुछ अच्छा और प्रगतिशील भी सीखें। नेता सुषमा स्वराज जिन्होंने इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम को चुना, नेता सुषमा स्वराज जिनकी बेटी ने उनका दाह संस्कार किया, बांसुरी सिर्फ घड़ा गिराकर माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर रही है, वो ये भी चाह रही हैं कि बहुत सारी जड़ प्रथाओं का अंतिम संस्कार हो। एक ऐसे देश में जहाँ पर कानून बनाना पड़ता है भ्रूण के लिंग की जांच के लिए, क्योंकि लड़की हुई तो मार दी जाएगी, जहाँ कानून बनाना पड़ता है कि लड़की मर्जी से शादी करे तो उसको मारो नहीं, जहाँ कानून बनाना पड़ता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दो। हम इन तस्वीरों को देखें, हम अपने नेता को याद करें और संकल्प को मजबूत करें। पूरे लल्लन टॉप परिवार की तरफ से देश की लोकप्रिय नेता, देश में आधुनिकता और परंपरा का सामंजस्य लाने वाली नेता, तीज मनाने वाली नेता और यूएन में भारत का पक्ष रखने वाली नेता सुषमा स्वराज को विनम्र श्रद्धांजलि। शुभ रात्रि।